तो दोस्तों मैंने एक बच्चों लोग को सूटन गांव में बांटी हुई थी, तो एक दीदी ने अमेरिका से है, मेघा जी उनका नाम है, और उन्होंने जो बच्ची मतलब लकड़ी बीन रही थी उनका पैर खुला हुआ था, तो उनके लिए देखिए ढेर सारा सामान भेजी हुई है, मतलब पैसा दी थी मैंने, खरीदा हुआ है, तो उनके तीन बच्चे के लिए दो दो सीट मैंने कपड़ा लिया है, और ये तेल साबुन ब्रश मंजन और ये तीन चप्पल भी लिए हैं और जूते भी लिए हैं, तो सारा सामान मैं लेकर चलती हूँ। ये देखिए मैंने मोजा भी दो दो सीट सब मतलब तीनों बच्चे के लिए दो दो डबल डबल मैंने लिया हुआ है। तो दीदी मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलती हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया जो उनके परिवार के लिए। पहले बात मैं बता दूँ दोस्तों कि इतना सामान मैंने उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा, और जान सकते हैं कि आप लोग जो खाना नहीं जुटा पा रहे हैं तो इतना ज़्यादा सामान कहाँ से जुटा पाएंगे, तो आप मदद कीजिए उसमें, थैंक यू। तो दोस्तों उनके घर पहुंच चुके हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलिए मैं अंदर दिखा देती हूँ। बेटा मम्मी कहाँ गए हैं? बकरी चरावा है? तो दोस्तों दीदी आ गई हैं, सब लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी आओ, मैं कम के इंतजार कर रही हूँ। नमस्ते दीदी, बकरी चराव गए? हाँ बकरी चराव गए, तैयार करें। देखिए अच्छा लग रहा है, त्योहार सब लोग मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप बढ़िया तो दोस्तों यही बेटी है जो उनकी लकड़ी बीनने गई थी, और पैर एकदम खुला हुआ था और पैर में चप्पल उप्पल कुछ नहीं था, तो दीदी ने देखकर इनके लिए देखिए ढेर सारा सामान दिया है, तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उतारा और ये इनर भी लाए हैं हम, नीचे इनर पहनेंगे उसके बाद लेगी। लो बेटा पहन लो, इसको रहने तो बाद में पहन लो ना, इसको पहन लो। सही है बेटा, सब सही है। ये छोटी बेटी के लिए हम लाए हैं ये जूता, ये बेटा आपको, चलो बेटा पहनो तो मोजा, पहले पहन नाप रही है वाला, इसमें थोड़ा सा। तो ये देखिए एक सीट और कपड़ा है, मोजा और चड्डी सब कुछ है, इनर है। तो बेटा अच्छे से पहनना ना। और ये इनके बेटे के लिए सब कुछ है, वही ये बेटे के लिए ले लीजिए, रख दीजिए। और ये छोटी बेटी के लिए जो ये है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो सभी के लिए मैंने चप्पल भी लाए, चप्पल भी दीदी हो जाएगा ना, छोटे बच्चे के चप्पल तो आप अंदाज लें, हो जाए ना। ये आपके बेटा के लिए ये हो जाए, तो चप्पल को हमने सबको ट्राई कर लिया है, देखिए सबका चप्पल भी हो गया है। और ये मंजन सबके लिए लाए हैं, दीदी मंजन भी करा देना, और ये साबुन तेल और शैम्पू आपके लिए। तो दीदी इतना ढेर सारा सामान आपके मिला आपके बच्चों के लिए, आपको सही ना। और आपके इतना ज्यादा सामान आज तक तो दे रहा ना, ही के दे के दे। तो कैसे कैसे लड़कन को पहरा तोड़ावत रहे हैं, कैसे पहरा तोड़ावत रहे हैं, मदद देते रहे हैं भाई लोग। तो आप कौन काम, आप कौन कौन काम कर रहे थे घर पे? कौन काम करते, बकरी भाई चराई थे, दूध को सही नहीं है, बहस करना है। तो दीदी जी आपके सामान दे के कुछ आप बोली हैं, आशीर्वाद दे हैं उनके बच्चन के, उनके परिवार के?
हाँ सब सही सलामत रहें, खुशी सहायता सब गरीब सहायता जी का भाई भगवान सही सलामत रखे सही रहे। तो दोस्तों दीदी बहुत ज़्यादा खुश हैं और देखिए हंसकर बात कर रहे हैं कि मैं बहुत आज खुश हूँ और हमारे बच्चे लोग को देखिए सब कुछ हो गया है और सबके बच्चे पहनने ओढ़ने थे मेरे बच्चे नहीं। तो दोस्तों दीदी ने कही थे ढेर सारा मतलब ये सामान के लिए भी खरीदने के लिए पैसा दिए थे और ये देखिए कुछ पैसे कही थी हाथ में देने के लिए क्योंकि पैसा लाना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बच्चे लोग हैं दवा दारू कुछ करेंगे और चला गलती होगी। तो दोस्तों दीदी ने और मेघा दीदी ने पैसा दिया था तो देखिए मैंने सामान भी खरीद लिया है और उन्होंने कहा था कुछ पैसे भी उनके हाथ में दे देना और क्योंकि बच्चे लोग मतलब ठंड का महीना चल रहा है कभी भी जरूरत पड़ सकता है, कहीं बीमार पड़ गए और ना कपड़ा खाना पीना। तो देखिए 3000 रुपये है तो दीदी को मैं दे रही हूँ। दीदी ये पैसा तो दोस्तों दीदी ने मेघा दीदी ने देखिए थोड़ा सा हेल्प किया और बच्चे लोग सारे खुश हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों क्योंकि आप लोग उषा एक आशा चैनल को बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। तो आप लोग अगर मदद करना चाहते हैं दोस्तों तो पेट्रियन के जरिए कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।